हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीएस कोचिंग सेंटर में। गाइज, आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री के चौथे चैप्टर से अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे। गाइज, यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वे सब के सब आपके कवर हो जाएंगे, यानी कोई भी प्रश्न इसके अतिरिक्त परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको देख लेते हैं। इस चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही वीवीआई चैप्टर है। इस चैप्टर के एक एक प्रश्नों को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का अणुसूत्र क्या होता है? ऑप्शन है CH3COOH, C6H12O6 या C12H22O11 या CH3CHO। तो देख लीजिए, यहाँ C12H22O11 या चीनी का अणुसूत्र है, याद कर लें। और यहाँ पर भी आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, जो CH3CHO है यह एसिटिक अम्ल है और C6H12OH6 जो है यह ग्लूकोज का सूत्र है, ठीक है। और यहाँ C12H22O11 यही क्या है? चीनी है। ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है। ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है, डी जो है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट इन धोने वाला सोडा का अणुसूत्र क्या होता है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन बहुत सारे दिए गए हैं, Na2CO3, NaHCO3, Na2CO2, NaCl। तो यहाँ देख लीजिए, जो पहला है यही सोडियम कार्बोनेट है, इसी को धोने वाला सोडा भी बोलते हैं। और दूसरा जो दिया है NaHCO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट है, और तीसरा कोई अणुसूत्र नहीं बन रहा है, और चौथा जो है NaCl यह नमक का अणुसूत्र है। आप इस सबको याद कर जाएंगे तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बोनिल समूह को श्वेत किया जाता है, यानी कार्बोनिल समूह इसमें कौन है? ऑप्शन दिया गया बॉन्ड CHO, बॉन्ड COOH, बॉन्ड CO या COCl2, कौन कार्बोनिल समूह है? तो देख लीजिए, इसमें ऑप्शन जो सी है यही कार्बोनिल समूह है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो गया। नेक्स्ट है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? तो इथाइल अल्कोहल मुख्य रूप से शराब में पाया जाता है। तो देख लीजिए, हाँ, पहला CH3OH दिया गया है, दूसरा C2H5OH दिया गया, तीसरा C2H6OH और चौथा C2H2OH। तो इथाइल अल्कोहल आपका होता है C2H5OH, यही अल्कोहल शराब में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इसको एथेनॉल भी बोलते हैं, ठीक है, एथेनॉल याद कर लीजिएगा, IUPAC नाम है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? इसमें बताना है कौन जो है जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो देख लीजिए, पहला CH4 दिया गया है जो मेथेन है, दूसरा दिया गया है C2H4, ठीक है, जो एथीन का है, एथीन है, ठीक है, या एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो एल्कीन ग्रुप का है एथीन, ठीक है, एथीन या इथाइन कहिए। और तीसरा C6H6 या बेंजीन है, और बेंजीन को ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ठीक है। और C3H8 जो है यह क्या है? प्रोपेन है, प्रोपेन है। सबका नाम याद कर लीजिए, पहला क्या होता है? मेथेन, दूसरा इथाइन या इथिन, ठीक है, एथिन, इथाइन है, एथिन इसका नाम है। और तीसरा जो है इसका नाम है बेंजीन, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और चौथा है प्रोपेन, ठीक है, याद रखिएगा सबको। तो आपका आंसर कौन हो गया? ऑप्शन सी। अगला है, निम्न से किस हाइड्रोकार्बन के तीन आबंध होते हैं? इसमें कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिसमें तीन गो बंधन पाया जाता है? तो देखिए, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो देख लीजिए कौन एल्काइन का है, तो यहाँ ऑप्शन जो सी है C3H4 यही एल्काइन ग्रुप का सदस्य है, ठीक है, जिसका नाम होता है प्रोपाइन। C3H4 का नाम है प्रोपाइन, ठीक है, और प्रोपाइन ही क्या है आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिक है, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो गया। अगला, निम्न से कौन युग्म समावयवी है? इसमें कौन युग्म समावयवी है? समावयवी कहने का मतलब है आप उसको ढूंढिए जिसमें सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ अगर पहले देखते हैं C2 है,
एच छः है, और यहाँ दूसरा और में जो दिया गया सी सिक्स एच सिक्स दिया गया है, तो दोनों में देखिए कार्बन की संख्या अलग अलग है, और तो यह समायोजी नहीं होगा क्योंकि ये कार्बन छः है और इसमें कार्बन दो है, समायोजी नहीं होगा। दूसरा जब देखते हैं बी में, तो देखिए एच की संख्या इसमें 12 है, इसमें इसकी संख्या 10 दिया गया है, और तो ये भी समायोजी नहीं होगा। सी की संख्या भी नहीं मिल रहा है, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन देखिए टोटल समान है, सी दो है तो इसमें सी दो है, एच फाइव भी सिक्स है तो एच सिक्स है, वो एक है तो वो एक है, अतः ऑप्शन सी सही होगा, यही समावयवी है जो इथाइल अल्कोहल है, प्रथम इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है, एथेनॉल इथाइल अल्कोहल को ही एथेनॉल बोलते हैं, उसमें क्रियाशील मूलक होता है बॉन्ड ओ एच, बॉन्ड ओ एच। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक बॉन्ड ओ एच होता है, ऑप्शन ए सही है आपका। अगला, निम्न से कौन सहसंयोजी यौगिक है, यानी किसमें सहसंयोजन बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से कौन बंधन बना हुआ है, मेथेन, नमक सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ जो सी एच फोर है यही सहसंयोजी यौगिक है, जितना एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ते हैं वो तीनों के तीनों ग्रुप का जितने ग्रुप हैं उनके सभी यौगिक सहसंयोजी ही होते हैं, तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला बॉन्ड सी डबल ओ एच की अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, बॉन्ड सी डबल ओ एच को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ दिया गया है पहला ऑप्शन कीटोन, दूसरा एल्डिहाइड, तीसरा अम्ल और चौथा है ईथर। तो देख लीजिए कीटोन का मतलब सी ओ होगा तो कीटोन कहिएगा, बॉन्ड सी एच होगा तो एल्डिहाइड कहिएगा, बॉन्ड सी डबल ओ एच रहेगा तो अम्ल या फैटी अम्ल हो गया, वसा अम्ल, आ ओ रहेगा तो ईथर हो गया। ठीक है, याद रखेंगे मैंने कीटोन क्या होता है, बॉन्ड सी ओ बॉन्ड और सी एच ओ एल्डिहाइड, सी डबल ओ एच अम्ल, या इसी को बोलते हैं फैटी अम्ल, वासा अम्ल। ठीक है, सी डबल ओ एच को, और ओ को ईथर बोलते हैं, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, बॉन्ड सी डबल ओ एच अम्ल हो जाएगा, फैटी अम्ल वासा अम्ल इसी का नाम है, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगला बॉन्ड सी एच ओ क्रियाशील मूलक के क्या कहेंगे, अभी बताए थे बॉन्ड सी एच ओ को एल्डिहाइड कहिएगा, बॉन्ड सी एच ओ को एल्डिहाइड कहते हैं, तो कौन होगा ऑप्शन, ऑप्शन सी सही होगा, ये सब याद कर लें कौन मूलक क्या है। अगला N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं, N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं। तो देखिए यदि आप N2 का संरचना बनाएंगे तो ऐसे होता है, N लिख करके ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे N, तो कितना सहसंयोजन बंधन है, तीन गो है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो आपका आंसर कौन होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, तो देखिए यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो देखिए फिर देख लीजिए सी एच फोर क्या है, मेथेन है, सी टू एच टू क्या है, एसिटिलिन है, सी सिक्स ए सिक्स क्या है, यही बेंजीन है, और सी टू एच फोर भी याद कर लें सी टू एच फोर यह एल्कीन ग्रुप का है, अतः सी टू एच फोर क्या होगा, एथीन होगा, एथीन। ठीक है, तो यहाँ बेंजीन पूछता है तो ऑप्शन सी सही हो गया, सी सिक्स एच सिक्स बेंजीन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट सबसे कठोरतम तत्व तो कौन है, सबसे कठोरतम तत्व तो कौन है, पत्थर, हीरा, कार्बन, ऑक्सीजन। तो देख लीजिए सबसे कठोर होता है हीरा, जो कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप क्या है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, जिसमें सबसे कठोर आपका कौन होता है, हीरा होता है, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगला निम्न से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसमें से किस यौगिक का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, ऑप्शन इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनोइक अम्ल या इनमें से सभी। तो ईंधन के रूप में इथेनॉल का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, सबसे सिंपल कौन है, मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सब एल्केन ही ग्रुप का है, लेकिन एल्केन ग्रुप में सबसे ऊपर टॉप पे कौन आता है, मेथेन आता है, और तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन आपका कौन हो गया, मेथेन हो गया, ऑप्शन ए आपका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, इसमें कौन सरलतम हाइड्रोकार्बन है, मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, सी एच फोर सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट कार्बन हाइड्रोजन से संयोगकर क्या बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोगकर क्या बनाता है, ऑप्शन आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हैलोजन या अम्लराज। तो कार्बन हाइड्रोजन संयोगकर के हाइड्रोकार्बन बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, यानी कितना परसेंट CO2 गैस आपके वायुमंडल में है,
आप ही सोचिए, तो 0.03% जो है CO2 गैस है हमारे वायुमंडल में है। ऑप्शन सी आपका सही, 0.03% CO2। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? ठीक है, तो देखिए पारा H2O7 दिया गया है, H2SO4, H2O3 और H2S28। तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन सी और डी, तो कोई यौगिक बनाता ही नहीं, लेकिन ए जो है इसको ओलियम कहा जाता है, H2O7 को ओलियम कहा जाता है और ओलियम से सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है जो कि ऑप्शन बी है। तो बी जो है यही सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, और पहला भी याद कर लेंगे, पहला क्या है ओलियम है, ठीक है, और दूसरा तीसरा कोई यौगिक नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है, इसमें कौन कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल साइटी अम्ल वसा अम्ल, ऑप्शन बी है सही आपका, ऑप्शन बी कार्बोक्सिलिक अम्ल। देख लीजिए CHO क्या है, एल्डिहाइड है, बॉन्ड COOH फैटी अम्ल है, वसा अम्ल है, इसी को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है, CO कीटोन है, NH2-amine है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन हो गया, बी सही हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बॉन्ड COOH। ठीक है, नेक्स्ट, इथोलिन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद होता है, जिसमें देखिए इथोलिन लिखते हैं लेकिन एथिलीन होगा, एथिलीन, ठीक है, एथिलीन में कार्बन के बीच दो बंधन होता है, तो इसमें इसमें कौन सा बंधन मौजूद है? तो देखिए कार्बन में सबसे ऊपर वाले को सिग्मा बंधन कहा जाता है और नीचे वाले को पाई बंधन, जिसमें डबल बंध होगा उसमें ऊपर वाले को सिग्मा बंधन और नीचे वाले को पाई बंधन कहा जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, अगला, इथेन में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं, इथेन में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं? तो देखिए इथेन C2H कितना हो गया 6, तो इसमें बंधन 7 होगा, इसमें बंधन कितना होगा 7, इसका संरचना बना के देख लीजिए, C2 है और H 6 है, तो इसे हम संरचना बनाएंगे, H सब में जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इसमें बंधन गिन लीजिए कितना है, या एक नंबर या दो नंबर, 3, 4, 5, 6 और 7, टोटल बंधन कितना है 7 को बंधन है, तो ऑप्शन कौन सही होगा, डी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, CnH2n+2 किसका समान सूत्र है, तो +2 दिया होगा तो एल्केन होगा, +2 नहीं दिया होगा तो एल्किन होगा, और -2 दिया होगा तो एल्काइन होगा। ठीक है, तो CnH2n याद कर लीजिए यह एल्कीन है, और -2 कहेगा तो एल्काइन होगा, तो यहाँ +2 दिया है तो एल्केन होगा, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, नीला थोथा कॉपर सल्फेट, इसका रासायनिक सूत्र तो CO4×5H2 होता है, ऑप्शन बी आपका सही है, CO4×5H2O जो कि नीला थोथा है। ठीक है, अगला, नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं, नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं, तो आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ नाइट्रोजन में क्या होते हैं, 3 को सह संयोजक बंधन पाया जाता है, संरचना बना के देख लेंगे, ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, संगमरमर को याद कर लें कैल्शियम कार्बोनेट ही कहा जाता है, तो इसका अणुसूत्र होता है CaCO3, ऑप्शन ए सही है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें पाया जाता है, देखिए C2H6 इसमें अभी मैंने बताया कितना सह संयोजक बंधन होगा, 7 को। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी है, क्वेश्चन दोहरा दिया गया है, खाली पूछने का तरीका अलग है, तो 7 को सह संयोजक बंधन होता है इथेन में। अगला, अक्रिय तत्व कौन है, तो याद रहे अक्रिय तत्वों की संख्या 6 है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन और रेगन, तो अक्रिय तत्व कौन हो गया, हीलियम हो गया, आपका ऑप्शन बी सही होगा। तो मैंने कहा कितना बताया 6, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन और रेडन होता है। ठीक है, अगला है, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, क्लोरीन, तो आप जानते हैं कि क्लोरीन का जब हम परमाणु संख्या होता है 17, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाता है तो 287 आता है, तो बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है 7, अतः इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, अतः इसका संयोजकता क्या होगा, 1 होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है गाइज, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा तैयारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोकार्बन कौन है, इसमें कौन हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन कहने का अर्थ है जो यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उस यौगिक को ही हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो यह देखिए जो बी दिया है इसमें देखिए कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होगा उसी को हाइड्रोकार्बन
कहा जाएगा। तो सी छः एच बारह ओ छः जो ग्लूकोज है यही हाइड्रोकार्बन है, आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बॉन्ड ओएच का क्रियाशील मूलक कौन है, ओएच क्या है, तो ओएच शराब है, ओएच इधर बॉन्ड नहीं होता, ठीक है, खाली आगे बॉन्ड रहेगा, बॉन्ड ओएच ये क्या है, शराब है, अल्कोहल है, अल्कोहल ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट वैसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं, वैसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या हाइड्रोकार्बन, तो इसको क्या एल्केनो बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं, एल्काइन सब बोलते हैं, और यह क्या है, हाइड्रोकार्बन का ही रूप है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सब का सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है, तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा, डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट जैव गैस के मुख्य अवयव होते हैं, जैव गैस का मुख्य घटक कौन होता है, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन या एथेन, क्या होता है, तो जितने जैव गैस हैं उनका मुख्य घटक मीथेन होता है, जैव गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप याद कर लें CaOCl2, ऑप्शन बी सही है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, इसको ऐसे भी लिखते हैं CaOCl into Cl, ये भी विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट एल्किनो का समान सूत्र क्या होता है, एल्किन होगा, ठीक है, एल्किनो नहीं, एल्किन का समान सूत्र CnH2 होता है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, तो एल्किन का CnH2 होगा। ठीक है, और CnH2+2 जो दूसरा ऑप्शन दिया गया एल्केन का है, और तीसरा है एल्काइन का है। ठीक है, तीसरा हो गया आपका एल्काइन का, ऑप्शन सी, तो इसका ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन बी सही होगा, एल्किन का। ठीक है, नेक्स्ट एथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, जब एथेनॉल का ऑक्सीकरण होगा तो क्या मिलेगा, ऑप्शन है एथेन, फॉर्मलिन, एथेनोइक अम्ल या मेथेन, तो एथेनॉल का जो ऑक्सीकरण होता है तो एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है, ऑप्शन सी आपका सही हो गया। ठीक है, अगला मीथेन मुख्य अवयव होता है, मीथेन मुख्य अवयव किसका होता है, कोल गैस का, जल गैस का, पेट्रोलियम गैस का या जैव गैस का, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, जैव गैस का, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है, ऑप्शन है ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या एथेन, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, अगला नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसो ब्यूटेन निम्नलिखित में से क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन क्या है, ऑप्शन है एल्कीन, एल्काइन, समावयवी या कोई नहीं, तो ये दोनों है समावयवी, ऑप्शन सी सही है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन दोनों समावयवी हैं, इनका आंसर सूत्र होता है C4H10। ठीक है, वो नॉर्मल हो या आइसो हो। ठीक है, नेक्स्ट ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, देखिए ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है, ग्लूकोज का सूत्र। ठीक है, तो कार्बन कितना है इसमें, 6 वो है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है, एथेनॉल को क्या कहा जाता है, एल्कोहल, दोनों, एल्डिहाइड या कोई नहीं, तो एथेनॉल क्या है, एल्कोहल है, C2H5OH जो है यही अल्कोहल, यही मुख्य शराब है, ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, अगला सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा बदलने में सर्वाधिक सक्षम कौन है, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सबसे अधिक कौन सक्षम है, आम, मकई, गन्ना या सरसों, तो वह गन्ना है जो सूर्य के प्रकाश को आसानी से रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, ऑप्शन सी सही है, गन्ना। ठीक है, अगला एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः कहा जाता है, एथेनोइक अम्ल को क्या कहा जाता है, एथेनोइक अम्ल, तो एथेनोइक अम्ल को ही एसिटिक अम्ल कहा जाता है, एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, अगला एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है, एसिटिक अम्ल के कितने परसेंट विलयन को सिरका कहा जाता है, तो ऑप्शन होगा 3-4% विलयन, ऑप्शन सी आपका सही है, 3-4% विलयन को सिरका कहा जाता है, ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, अगला शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है, शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है, 120 केल्विन, 140 केल्विन, 200 केल्विन या 290 केल्विन, तो आपका आंसर होगा 290 केल्विन होता है, ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, अगला हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच, तो हाइड्रोजन के बीच हमेशा क्या होता है, एक ही बंध होता है, ऐसा संरचना होगा, ऑप्शन ए सही है, हाइड्रोजन परमाणु के बीच एक बंधन पाया जाता है, ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है,
अगला निम्न से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कौन असंतृप्त, तो आप याद कर लें एल्केन एल्कीन एल्काइन मुख्य आधारभूत ग्रुप यही है जिसमें एल्केन संतृप्त है, एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त है, ठीक है। तो इसमें असंतृप्त बोलता है, असंतृप्त है तो असंतृप्त में कौन आएगा, यहाँ असंतृप्त, तो मैंने क्या बोला एल्केन संतृप्त है, संतृप्त, जबकि असंतृप्त में क्या होगा एल्कीन और एल्काइन होगा, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है जो कि असंतृप्त है। तो मेथेन एथेन एथीन, इसमें ऑप्शन सी सही होगा, एथीन क्या होगा, एथीन एल्कीन का है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 443 केल्विन तापक्रम पर एथेनॉल को अधिक के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर क्या बनता है, तो आपका आंसर होगा एथीन बनता है, क्या बनता है एथीन। तो चलिए गाइस आज के इस सेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। आप पीएस कोचिंग सेंटर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके सभी विषयों का तैयारी बहुत जल्द और बहुत ही अच्छा से हो जाए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।